चार लोगों के मार देने से क्या हिंदुस्तान में मुसलमान खत्म हो गए? और अगर तुम खत्म करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। दूसरी बात, मुल्क के मौजूदा हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। अभी ये इलेक्शन आने वाला है ना, हमारी वोटों से इंतजार में गए थे। अल्लाह ने इस मुल्क के संविधान में और रसूल ने हमें ये हक दिया है कि अगर हम किसी को तख्त पर बिठा सकते हैं तो उसका जनाजा भी कंधा से उठा सकते हैं ना। और ये चश्मे सर से देखी जाने वाली चीज है। किसी का इंतजार हमेशा बाकी नहीं रहता। लोग आते हैं जाते हैं, जो मालिक की मखलूक के साथ इंसानों के साथ हमदर्दी खैरखाही का मामला करेगा उसका इंतजार लंबा रहता है। और जो उसकी मखलूक के ऊपर जुल्म करता है उसका इंतजार लंबा नहीं रहता, लंबा नहीं रहता। अलैस सुब उमरे करीब, जब सूरज डूबता है तो पूरी दुनिया पे अंधेरा छा जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या सुबह करीब नहीं है? अलैस सुब उमरे करीब, रात भी खत्म होगी सूरज भी तुलू होगा। कोई रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत है? होता है, मुख्तसर होता है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। मायूस वो होता है जो उस पर ईमान और यकीन नहीं रखता। और हमारा उस पर ईमान और यकीन है। हम कभी हालात से नहीं घबराते। दो चार लोगों के मार देने से क्या हिंदुस्तान में मुसलमान खत्म हो गए? और अगर तुम खत्म करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। देश की आजादी के लिए हमने आपने मिलकर के अंग्रेजों का मुकाबला किया, देश आजाद हुआ। जिनको जाना था वो चले गए। हमारे बाप दादा ने अपनी मर्जी से यहां रहने का पसंद किया है। तुम नहीं जा सकते थे इसलिए तुम यहां रहे। हमारे बाप दादा देश छोड़कर जा सकते थे, लेकिन हमारे बाप दादा ने इस मुल्क में रहना अपनी मर्जी से अख्तियार किया है। इस मुल्क में रहना हमारी मजबूरी नहीं है। इस मुल्क में रहना हमारी जरूरत नहीं है। इस मुल्क में रहना हमारी चाहत और हमारी पसंद है। आप हमें देश निकाला नहीं दे सकते कि करोड़ों मुसलमानों को ढकेल करके आप बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे। नामुमकिन है। करोड़ों मुसलमानों को आप मार डालेंगे ये नामुमकिन है। हम इस देश में है यही रहेंगे। मरेंगे तो इसी मिट्टी में मिलेंगे। तुम मिट्टी में मिलाने की बात करते हो, हमारा तो ठिकाना यही है। हमारा तो ठिकाना यही है, कोई बात नहीं है। तो आज मुल्क के जो हालात है, दो चार लोगों के मार देने से इस्लाम खत्म हो जाएगा या मुसलमान खत्म हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं। महानस्तो जुनू, ये पागलपन है जो आप समझ रहे हो। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें घबराने की कतई जरूरत नहीं है। और जुल्म की रात बहुत लंबी नहीं होती। इंसाफ का नजदीक पसंदीदा दिन है और यही दीन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। आज दुनिया में जितने मजाहिब और जितने धर्म पाए जाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जिसका कुछ न कुछ सबूत मिलता है। अब कोई जिनका कोई बेस नहीं है और जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, बस कुछ रसूमात है, बाप दादा का तरीका है, जमाने और हालात के पेश नजर कुछ काम है, ऐसी चीजों को जमा करके उन्होंने धर्म का नाम दे दिया। जैसे मिसाल के तौर पर मजहब इस्लाम में इत्तेदाद के लिए सजा मुकर्रर है कि अगर कोई अपना मजहब छोड़ देता है, किसी भी वजह से छोड़ देता है। आज तो जैसे चलन है, अपनी बच्चियों को हम असली तालीम के लिए मखलूत निजाम तालीम में भेज देते हैं, जहां लड़के और लड़कियां मिलकर के पढ़ते हैं। जाहिर बात है कि जब इस तरह का माहौल होगा तो उसके असरात तो पड़ेंगे। और होता यह है
कि फिर कभी कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ, कभी कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ ताल्लुक बना देती है, और उसी वजह से क्या होता है कि दोनों में से कोई एक अपना मजहब छोड़ देता है, या तो हिंदू लड़की मुसलमान हो जाती है या मुस्लिम लड़की हिंदू हो जाती है, अपना धर्म छोड़ देते हैं। इसको इत्तेहाद कहा जाता है। मजहब इस्लाम में जिंदगी के तमाम शोबे हयात के लिए एक हुक्म मौजूद है। अगर कोई शख्स मुसलमान था, मर्द या औरत, उसने अपना धर्म बदल दिया, धर्म परिवर्तन हो गया, उसने इस्लाम को छोड़ करके दूसरा कोई मजहब इख्तियार कर लिया, चाहे वो मजहब इख्तियार करने वाला मर्द हो या औरत हो, उसके लिए हमारी शरीयत में एक हुक्म मौजूद है, और वो हुक्म ये है कि हम उससे मुलाकात करें और ये जानने की कोशिश करें कि उसने अपना मजहब अपना धर्म क्यों छोड़ा है। अगर शुकूक और शुबहात की बिना पर और इस्लामी अहकाम के किसी हुक्म को ना पसंद करते हुए या बुरा समझते हुए उसने छोड़ा है तो उसको समझाने की कोशिश की जाएगी, और ना समझे तो फिर उसके लिए अहकाम है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने मजाहिब पाए जाते हैं, अगर उन मजाहिब के मानने वाले अपना धर्म छोड़ दें तो उनके मजहब के अंदर क्या ऐसा कोई हुक्म मौजूद है? आप तहकीक कर लीजिए कि नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये इस्लाम धर्म जो है ये हर एतबार से कामिल मुकम्मल है, हत्ता कि हमारे मजहब ने हमें खाने का भी तरीका बताया है, पीने का भी तरीका बताया है, सोने का भी तरीका बताया है, चलने का भी तरीका बताया है, उठने बैठने का भी तरीका बताया है, हत्ता के पेशाब पखाना करने तक का तरीका बताया है। मर्द अपनी बीवी से मुलाकात कर रहा है, खुसूसी मुलाकात, हमारे लिए कमाल है कि ये मुलाकात कैसे होनी चाहिए। दुनिया के किसी मजहब में आपको ये बात नहीं मिलेगी। मजहब इस्लाम हर एतबार से मुकम्मल है। आज मजहब इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को मिटाने की कोशिश की जा रही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये गैरों का भी हमारा कसूर है। कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इरशादात और फरमुदा जिसे हम हदीस कहते हैं, ये सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। हमारा कसूर यह है क्या हमने अपने हिंदू भाई को अपने मजहब का तारुफ नहीं कराया? उसे पता नहीं है कि इस्लाम धर्म क्या है, वो गलत फहमियों में मुब्तला है, उसे ये पता नहीं है कि इनकी मस्जिद कैसी होती है। ट्रेनिंग पर एक साहब आए हुए थे, जामे मस्जिद में मुलाकात के लिए आए, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में मुझसे कहने लगे मस्जिद में मुलाकात के बाद कि क्या मैं मस्जिद देख सकता हूँ। मैंने कहा जरूर देख सकते हो। उनको मैंने अपनी जामे मस्जिद सब बताया तो सब होने के बाद वो मुझसे पूछने लगे कि अखाड़ा का है। आपको हंसी आ रही, लेकिन दूसरी कौमों को ये पावर कराया गया है, उनके दिलो दिमाग में ये बात बिठा दी गई है कि इनकी मस्जिदों में अखाड़ा होता है। ये मस्जिदों में आने वालों को लाठी चलाना, तलवार चलाना, निशानाबाजी और फायरिंग करने की ट्रेनिंग देते। ये हमारे हिंदू भाइयों के दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है। उस ऑफिसर ने मुझसे ये बात कही कि आज तक तो हम ये समझ रहे थे और हमें ये बताया और समझाया गया था कि इनकी मस्जिदों में अखाड़ा होता है, तो आप जितने लोग आए हैं हिंदू समाज के उनको अपनी मस्जिद बताओ। उनसे मैंने कहा ये जो मेरी जामे मस्जिद है, माले गांव में 300 से ज्यादा मस्जिदें हैं, आप किसी भी मस्जिद में चले जाए आपको कहीं अखाड़ा नहीं मिलेगा। कहने लगे कि इतनी अहम बात है और इस तरह लोगों के दिलो दिमाग में भर दी गई है कि लोग मस्जिद को ऐसे आगे देखते हैं। उनको ये बताया गया कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि आगे जुमला आपने सुना तो आपको हंसी आ रही है। हम अपनी मस्जिदों में इस तरह की कोई तालीम नहीं देते, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को पता नहीं है कि मस्जिद क्या होती है। ये हमारा कसूर है, हम उन्हें अपनी मस्जिद का तारुफ कराएं, अपने मजहब का तारुफ कराएं।
जब मजहब का तारुफ होगा तो मजहब का तारुफ होने के बाद उन्हें अंदाजा होगा कि इस्लाम में कितनी मोहब्बत की तालीम। हमारे आका ने फरमाया कि तुम सलाम को आम करो, आपस में मोहब्बत पैदा हो। हम अपने मुसलमान ने नवाजा भी तो भर पेट नवाज 50 वक्त की नमाज है। यही बात बताई और जब पूछा क्या मिला, कहा 50 वक्त की नमाज, तो हजरत मूसा कहने लगे कि मेरी उम्मत पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी तो वो पढ़ती रहेगी, आपकी उम्मत मेरी उम्मत के मुकाबले में कमजोर है, 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़े। तीन लोग जाइए कम करवाइए। फिर 10 नमाजें और कम हुई, फिर 10 नमाजें और कम हुई, फिर जब पांचवा चक्कर गए तो 5 वक्त की नमाजें कम हुई। हजरत मूसा ने मशवरा दिया कि आप फिर जाइए, 5 ही ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तहलेतु रब्बी, मुझे अपने परवरदिगार से दिए हुए तोहफे को वापस करते हुए हया आ रही है, अब मैं नहीं जाऊंगा। जब अल्लाह के रसूल ने यह फैसला कर दिया कि 5 दूसरे कमी नहीं करवाना है, अल्लाह पाक की तरफ से